वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट और अभिजीत चौकसी, फाउंडर Shopify.in मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हेमंत जी, आपके लिए हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार दिपेश, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुजरात से। अच्छा, आपने ABSL के MNC फंड में 2015 से SIP कर रखी है 1000 रुपए की, और आपको समझना है कि क्या इस फंड में आप बने रहें या आप स्विच कर लें। यस सर। दिपेश, इसके अलावा और कोई फंड है आपके पोर्टफोलियो में? यस, और है, और भी फंड हैं, नाम बताएंगे? मिड कैप्स हैं सारे। या HDFC मिड कैप है और HSBC मिड कैप है, दो मिड कैप फंड है और एक आपने ABSL MNC रखा हुआ है। ओके, कोई खास वजह आपने चुना इससे निकलने या इसको स्विच करने के बारे में सोचा? नहीं, इसमें रिटर्न लेस है इसकी वजह से, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए या स्विच करना चाहिए। थीमेटिक फंड लेने के बारे में आपने क्यों सोचा? आपका ये मेरे ख्याल से 2015 से, मैं अज्यूम करूं कि आपका पहला निवेश होगा म्यूचुअल फंड में ये फंड। उस वक्त आपको किसी ने ये सलाह नहीं दी कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो किसी थीमेटिक फंड से ना करके किसी इंडेक्स या लार्ज कैप से शुरू करें निवेश? नहीं सलाह दी। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आपने अपना सवाल हमें भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत सर, देखिए इन्होंने शुरुआत ही अपनी निवेश की जो है थीमेटिक फंड से की है, और हो सकता है कि जिस वक्त इन्होंने निवेश किया उस वक्त इनको कुछ रिटर्न्स भी दिखाई दिए हो, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये उतार चढ़ाव से भरपूर होते हैं थीमेटिक, और बहुत ही न्यूज बेस्ड इनकी परफॉर्मेंस भी होती है। और इसके बाद हालांकि इन्होंने दो मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, वो भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हम देख रहे हैं कि वहां भी जरूरत है। लेकिन फिलहाल ABSL MNC की परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप हमें क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं, समझाएं, और किन में निवेशकों को इस तरह का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? कविता, आपने क्या कुछ बुद्धि कहा? देखिए, जहां तक हम थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम डाइवर्सिफिकेशन लेवल की बात करें तो सेक्टर फंड से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी, बट जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है वहां से अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन लेवल जो है थोड़ा कम रहता है। प्रॉब्लम थीमेटिक फंड के साथ क्या है कि अगर अपनी आप एंट्री और एग्जिट सही तरीके से टाइम करें उसको, और आप सही थीम को आइडेंटिफाई करें, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और तो ये ऑब्वियसली एक कभी कभी क्या होता है टेक्निकल एलोकेशन हो सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म में किसी भी जैसे इनके पास ऑलमोस्ट 8 साल से ये फंड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड में हर परफॉर्मेंस की जो हम बात करते हैं तो वो रिलेटिव टर्म में होता है। ऑब्वियसली इनको रिटर्न मिला है, लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिला जितना उनके 8 साल में इनको मिलना चाहिए था। एज ए थीम MNC ऑब्वियसली अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया है जितना वेल डाइवर्सिफाइड फंड या दूसरे जो थीम्स है उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने दो मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, तो ये ऑब्वियसली एक लौटा फंड उनके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं, तो थीमेटिक फंड से दूर रहिए। और हमेशा ये ध्यान रखिए किसी भी थीम में अगर कुछ प्रोबेबिलिटी है अच्छे रिटर्न की तो वो आपको वेल डाइवर्सिफाइड फंड में कुछ हद तक फंड मैनेजर उसमें आपको एक्सपोजर देंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा डेफिनेटली कि वो वहां से निकले और किसी एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड जैसे मल्टी कैप कैटेगरी का फंड, फॉर एग्जाम्पल कोटक मल्टी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। जहां तक यहाँ से पैसा निकालने की बात है, जो उन्होंने पूछा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या हो, क्योंकि ये पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है और भी फंड है इनके पास और ये ऑलरेडी इक्विटी में है, अगर यहाँ से इनके पास समय है 5 साल या उससे ज्यादा निकाल के भी वो डाल सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको STT के द्वारा इस फंड को वहां पे ट्रांसफर करना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर कोई भी थीमेटिक फंड उस फेज पे जब वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए और उसका प्रोपोर्शन ज्यादा, तो डेफिनेटली वहां से एग्जिट करें। और जैसा मैंने कहा एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड मल्टी कैप कैटेगरी का वहां पे कर सकते हैं। चलिए दिपेश, आपको मल्टी कैप में जाने की सलाह दी जा रही है, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो लेवल पर ही अगर आप सलाह चाहते हैं तो अपना सवाल एक बार फिर से डिटेल में हमें भेजें ताकि ओवरऑल आपको बता पाए कि कौन से फंड आपके लिए सही हैं। भार्गव पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। भार्गव जी, आवाज आ रही है?
भार्गव पटेल की आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही मैडम जी। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पोर्टफोलियो में 8 स्कीम्स हैं भार्गव, और आपने लगभग 50 लाख का एक टारगेट रखा है 10 साल में जो आपको इकट्ठा करने हैं। आपके पास स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप पराकपारिका फ्लेक्सी कैप है, आपके पास मिड कैप अपॉर्चुनिटी है HDFC का, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट का एक्टिव, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांट एक्टिव फंड भी है। मुझे ये बताइए कि आपने 8 जो फंड में निवेश कर रखा है 15,000 रुपए, ये आप कब से कर रहे हैं और 50 लाख का आपका लक्ष्य है? जी जनवरी 2024 अभी आपने डाले हैं जी। किसने आपको सलाह दी? ये हमने आप ही लोग का इसमें YouTube पे देख के न्यूज चैनल के माध्यम से हमने फंड का सिलेक्शन किया है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं और उसके बाद जो फंड रेकमेंड होते हैं शो पर उनको अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। एक जो चीज आप लोगों से मिस हो जाती है या चूक जाते हैं समझना, वो ये है कि जिस भी शख्स का हम सवाल ले रहे हैं उनकी जोखिम की जो क्षमता है, रिस्क लेने की जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उससे जुड़ी सलाह हम उन्हें देते हैं, तो बहुत ही केस स्पेसिफिक सलाह होती है। हालांकि बेस्ट फंड्स के नाम भले ही आपको मिलते हो, लेकिन वो बेस्ट फंड्स क्या आपके लिए बेस्ट हैं या नहीं, ये मेरे ख्याल से एक गौर करने वाली बात है। बहरहाल आपने अपना सवाल हमें दिया तो उसके लिए धन्यवाद। और अभिजीत आपके पास है भार्गव का सवाल, और 8 फंड क्या ये कम हो सकते हैं? डेफिनेटली कविता, जैसे हमने देखा है कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे काफी लोग डाइवर्सिफिकेशन की मिस्टेक भी करते हैं, तो 8 फंड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। जो कि उन्होंने अभी स्टार्ट किया है ये इन्वेस्टमेंट, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप वो 8 को प्रीमियर फंड में आपकी SIP अगर एटलीस्ट 15 से थोड़ा बड़ा के 20,000 तक कर देते हैं, जो कि एक SBI मिड कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, DSP स्मॉल कैप और HDFC ब्लू कैप ब्लू चिप में 5,000 ईच के हिसाब से अगर इन 4 फंड्स में निवेश करते हैं तो जो उनका लक्ष्य है 50 लाख का, तो वो इजीली अचीवेबल है 20,000 की SIP के साथ। इन 4 में वो कंसिस्टेंटली अगर निवेश कर पाते हैं तो yes. आगे बढ़ते हैं। प्रतीक गर्ग मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रतीक, मैम कैसे हैं आप? मैम एब्सोल्युटली फाइन, आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने सवाल हमें भेजा। कहाँ से आप सवाल कहाँ से बोल रहे हैं प्रतीक? मैम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके प्रतीक, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने लिए लिया हुआ है ना? जी मैम। कब लिया ये? मैम ये मैंने जनवरी 2024 में लिया है। अच्छा, इसके अलावा आपने ABSL का PSU इक्विटी ले रखा है और क्वांट का स्मॉल कैप है। यस मैम। आप कितना समझते हैं शेयर बाजार को, और आपने क्या ये अपना पहला इन्वेस्टमेंट डाल रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में और उसके बाद एक स्मॉल कैप में भी? यस यस मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ही फंड में इन्वेस्ट किया है। और आपने सही कहा मैम, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज डीपली शेयर मार्केट की नहीं है और स्पेसिफिक शेयर की नहीं है, तो बेस्ड ऑन द सजेशंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड योर चैनल, तो मैंने म्यूचुअल फंड की तरफ जाना ज्यादा बेटर समझा और अकॉर्डिंगली मैंने मैम उसी के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट किया। आपने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो क्या करते हैं? मैम इतना डीपली तो नहीं पढ़ा था, बट एक एनालिसिस ये जरूर किया था कि रिटर्न कितना उसमें 1 साल में और 3 साल में लगभग कितना चल रहा है, तो उसके बेस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया था मैम। चलिए प्रतीक, अच्छी बात ये है कि आपने चैनल के माध्यम से शेयर बाजार को समझने की कोशिश की, और शेयर बाजार में अगर आपको भागीदारी लेनी है तो शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड क्या एक जरिया है वो आपने समझा। लेकिन जहां तक आपके फंड सिलेक्शन की बात है, क्योंकि आप बाजार पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं रखते हैं, तो शायद यहां पर थोड़ी सी चूक आपसे हो गई है। अच्छी बात यहां पर यह है, या खुशखबरी यहां पर यह है कि आपने अपना सवाल हमें समय रहते भेज दिया है, क्योंकि अब जो बदलाव है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में कर लेने पड़ेंगे। हेमंत जी बताइए। कविता, आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। जैसा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और क्योंकि इनको लगा कि वो खुद से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड का ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल सही है। बट आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए समझने के लिए कि अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान से
अपने फंड्स को चुनना होगा, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखना होगा, क्योंकि इक्विटी खुद से जो है एक अग्रेसिव एसेट क्लास है। उसके अंदर जब आप थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड या स्मॉल कैप में जाते हैं, स्पेशली इनिशियल फेजेस में जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो कहीं ज्यादा रिस्की हो जाता है, और जब आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है तो आपके लिए फिर मार्केट में बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा मैंने कहा, इनकी जो चॉइस थी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने की, वो बिल्कुल सही थी। इन्होंने लमसम से इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो दो इनके पास थीमेटिक फंड है, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएसयू है, और एक स्मॉल कैप फंड। तो तीनों के तीनों बाय नेचर एग्रेसिव। ऑब्वियसली जैसा इन्होंने कहा, हुआ यह है कि इन्होंने पिछले एक या दो साल की परफॉर्मेंस देखी और जो उनको लगा कि जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है तो वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। बट जैसा कि हम जानते हैं, बाय नेचर ये जो कैटेगरी के जो फंड्स है वॉलेटाइल ज्यादा है, ऐसे फेजेस हो गए स्पेशली थीमेटिक फंड कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने कविता जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अभी उन्होंने शुरुआत की है तो इनके पास मौका है इसको ठीक करने का। हालांकि मैं ये कह दूं कि दोनों थीम जिन्होंने चुने हैं और जो फंड स्मॉल कैप में चुने हैं और काफी अच्छे फंड है, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या आपके लिए वो सुटेबल है कि नहीं। तो मुझे लगता है क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है आपका फोकस जो है इक्विटी को समझने का होना चाहिए, उस पर क्या रिस्क है, किस तरीके से वो चेंजेस होता है, किस तरीके से आपका अपना पोर्टफोलियो संभालना है। तो मेरी सलाह रहेगी कि तीन फंड जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से शुरुआत करें। एक मल्टी कैप ले सकते हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं। मुझे लगता है तीनों कैटेगरी काफी अच्छी है, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप चाहें तो मैं तो थोड़ा रिकमेंड कर सकता हूँ एक दो फंड, जैसे मल्टी कैप में हमने कोटक मल्टी कैप की बात की है, निकॉन मल्टी कैप ले सकते हो, तो दोनों में से कोई भी फंड लीजिए। लार्ज एंड मिड में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप में या तो फड़ापन एक फ्लेक्सी कैप या फिर निकॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये कुछ फंड है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ये तीन कैटेगरी के फंड से शुरुआत कीजिए। एक बार आप थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, आपको समझ आ जाए इक्विटी किस तरीके से बिहेव करती है, और आपको लगता है कि आगे जाके आप एक सेक्टर या थीम को आइडेंटिफाई करें, तब उनको शामिल करने का सोचें। आगे बढ़ूंगी झटपट। डॉक्टर जय शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। डॉक्टर जय प्रभा? नहीं, डॉक्टर बी एस भाटिया नाम है मेरा। डॉक्टर बी एस भाटिया, माफ कीजिएगा जी। भाटिया साहब नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने कहा है कि कॉर्पोरेट आपका टोटल जो है वो 40 लाख का है और आपको 1.5 करोड़ बनाना है इसको 70 साल तक की उम्र में। सर आपने हमें फंड्स का चुनाव नहीं बताया जो आपने बना रखा है, जो पोर्टफोलियो बना रखा है म्यूचुअल फंड्स का। यही वाले है जिनमें मेरा सिप चल रहा है ना, यही है कॉर्पस मेरा। क्वांट स्मॉल कैप है, निपन ग्रोथ फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, निपन लार्ज कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, और एक्सिस स्मॉल कैप है। सर ये फंड्स तो बहुत ज्यादा हैं और आपने डिटेल्स हमें नहीं दी थी, हमारे एक्सपर्ट के पास इसको लेके कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल मैंने भेजा था यही कि ये जो 5-6 फंड है, ज्यादा नहीं है, 6 फंड है जिनमें मेरी सीप भी चल रही है। 10,000 रुपया पर फंड में चल रहा है, करीब 55,000 मेरी सीप चल रही है, और पिछला कॉर्पस भी इन्हीं फंड से ही मेरा 40 लाख बना हुआ है। ओके, अब क्योंकि मेरे पास आपके फंड्स को लेके डिटेल्स है नहीं ज्यादा, तो 55,000 की आपने कहा SIP है, मैं अभिजीत के पास जाती हूँ। अभिजीत, जो डिटेल्स आपके पास हैं जिसमें केवल 70 साल की उम्र में 1.5 करोड़ कैसे ये कमा पाएंगे, ये मेरे ख्याल से आपके पास सवाल होगा, बताइए क्या ये कर सकते हैं। राइट, सो जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि उनके पास 6 फंड है, तो ये मैं हल्का सा उसको ओवर डाइवर्सिफाइड बताऊंगा। मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम 5 फंड से ज्यादा नहीं एक होना चाहिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो में। उसमें भी अगर एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जो इनका लक्ष्य है जो कि 1.5 करोड़ एट द एज ऑफ 70, तो बाकी रहते हैं और 23 साल, तो अगर ये कंटिन्यू कर रहे हैं इन्हीं SIP कंसिस्टेंट मैनर में, तो इजीली वो अपना जो टारगेट है वो बहुत ही पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट 23 इयर्स में एज पर द कैलकुलेशन उनकी राशि 5 crore के ऊपर भी जा सकती है अगर वो कंसिस्टेंटली अपनी SIP कर पा रहे हैं, और अगर SIP बढ़ा रहे हैं स्टेप अप के हिसाब से तो और भी बड़ा उनका कॉर्पस बन सकता है। तो डेफिनेटली उनका गोल अचीवेबल है
मच बिफोर देन जो 70 इयर्स उनका उन्होंने जो लक्ष्य दिया है. और एज फार एज फंड्स आर कंसर्न, मुझे ये चार फंड्स एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए सही लग रहे हैं, जिसमें एक है डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, कोटक लार्ज कैप और एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप. तो आप अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं. चलिए वाडिया साहब, मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप और डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो मौजूदा जो आपके फंड्स हैं वो उनके नाम के साथ आप हमें एक बार फिर से सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम एक बार फिर से ये पूरे क्रॉस चेक कराकर आपको सही सलाह दें. फिलहाल अभिजीत आपका और हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शक का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब दिए. लेकिन हम भी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बाजार और निवेश जगत की दिग्गज आवाजें जो है आपको इस शो में सुनने को मिलती हैं, और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के एस नरेन साहब बाजार को लेकर क्या व्यू रखते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो में जोखिम आप कम कर सकते हैं, किस तरह की निवेश स्ट्रैटेजी के जरिए, तमाम बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद.